इंडियन हर्बल हेरिटेज, उसमें ये क्षमता है कि वो अनहोनी को होनी कर दे। I'm Medha Singh from Jivena Herbals, an esthetician and a cosmetologist and your skin and hair specialist. आज का टॉपिक गुण पर है, गुणों पर है। पिछला वीडियो मेरा दोषों पर था और उसमें जो मैंने गाइडलाइन दी थी आपको, मुझे लगता है आप वो फॉलो कर रहे हैं और उससे आपको हेल्प मिल रही है अपने पांचों तत्वों को अलाइन रखने में, खासकर स्पेस तत्व को। अगर गुणों के बारे में साधारण शब्दों में आपको जानकारी मिल जाए तो आपका एक और कदम सेल्फ इम्प्रूवमेंट की ओर बढ़ जाएगा। आयुर्वेद में हमारे दिमाग को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है क्योंकि हमारा दिमाग एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की तरह है। हमारे दिमाग में तीन दशाएं हैं, तीन दशाओं से हमारा दिमाग बना हुआ है, इन्हीं को गुण कहते हैं। गुण यानी कि क्वालिटीज़, और इन क्वालिटीज़ पर हमारा पूरा जीवन निर्भर करता है। अगर जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी आती है, कैसे भी एक्सपीरियंसेस आते हैं, अगर हमारी दशाएं अच्छी हैं तो हम उन्हें पूरी तरह से हैंडल करने में सक्षम होते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे गुण हमें हर प्रकार के जीवन के एक्सपीरियंस को हैंडल करने में सपोर्ट करता है। इसी वजह से गुणों के बारे में जानना बेहद आवश्यक है। सबसे पहले निर्णय हमारा दिमाग लेता है, परंतु सच्चाई तो यह है कि हमारी आत्मा यानी कि हमारी चेतना जानती है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन हमारी दिमागी अवस्था अगर सही नहीं है तो दिमाग आत्मा की आवाज़ सुन नहीं पाता है और वो निर्णय अपनी स्थिति, अपनी मानसिक स्थिति, अपनी दशा के अनुसार लेता है, चाहे फिर वो निर्णय हमारे लिए अनुचित ही क्यों ना हो। उस समय उसे जैसा लगता है वो वैसा ही करता है। अगर वह बहुत थका हुआ है दिमाग तो वो सोच नहीं पाएगा कि आगे खड़ी हुई अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी होगी भविष्य के लिए या प्रेजेंट के लिए, वर्तमान के लिए, और उसे नज़रअंदाज करके वो एक कंफर्ट जोन में चला जाएगा, आलस के जोन में चला जाएगा। तो इस प्रकार से अगर दिमाग की अवस्था सही नहीं होगी तो आपके निर्णय ज़्यादातर गलत होंगे। अब आत्मा क्या है? जैसे मैंने अभी कहा कि आपकी आत्मा जानती है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। आपकी चेतना जानती है कि आत्मा यानी चेतना, लेकिन आत्मा वो ऊर्जा है जो हमें एहसास दिलाती है। ऐसा लगता है ना अचानक कि हम बहुत खुश हैं, अच्छा लग रहा है, या हम बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। तो ये जो फीलिंग्स हैं, ये फीलिंग्स का एहसास, ये ऊर्जा, आत्मा रूपी ऊर्जा हमें देती है, चेतना हमें देती है। और कभी कभी जब हमारी चेतना बहुत जागृत होती है तो हमें टेलीपैथी हो जाती है कि ये व्यक्ति आ रहा है हमारे घर, ये आने, अचानक ख्याल आ जाता है और कुछ ही देर बाद हम उसे सामने पाते हैं, या हमें इंट्यूशन हो जाता है कि ऐसा होने वाला है। वो तब होता है जब हमारे दिमाग में स्थिरता होती है, जब हमारा दिमाग पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है। इसी वजह से दिमाग की तीनों अवस्थाओं को, तीनों स्टेट्स को जानना बेहद ज़रूरी है। और ये तीन क्वालिटीज़, गुण यानी कि क्वालिटीज़, ये तीन क्वालिटीज़ हैं सत्व, रजस और तमस। सत्व, सत्व यानी कि स्थिर दिमाग, शांत दिमाग, सेरेनिटी, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, कलात्मकता और खुशनुमा ऑरा, प्रेजेंट में जीना, वर्तमान में जीना। और जो भी सात्विक मानसिकता के व्यक्ति के साथ रहते हैं वे व्यक्ति दूसरों के आत्मविश्वास को भी जगाते हैं और उनका ऑरा ही ऐसा होता है कि उनकी संगत में सब खुश रहते हैं, संपन्न रहते हैं। राजसिक, रजस यानी कि एग्रेसिवनेस, एम्बिशियस, एक्टिविटी, रेस्टलेसनेस और कभी कभी गुस्सा आ जाना, किसी काम को अगर शुरू किया है तो उसे अंजाम देकर ही रहना, अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करके ही रहना, ये बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ हद तक ऐसे लोगों को सात्विकता की ओर जाना ज़रूरी है और थोड़ा तामसिक होना ज़रूरी है। अब आपको आश्चर्य होगा कि मैं ये कह रही हूँ कि इनको हल्का सा तामसिक होना ज़रूरी है। जी हाँ, थोड़ा स्लो डाउन होंगे तो ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, क्योंकि ये वर्तमान में नहीं जीते हैं, ये भविष्य में जीते हैं, तो ये देख ही नहीं पाते हैं कि इस समय क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए।
तामसिक, तमस, डल, डार्क थॉट्स, निगेटिविटी, नकारात्मकता से ओतप्रोत, आलस, काम को टालना, आज नहीं कल करेंगे, क्या उचित है और क्या बोलना चाहिए ये नहीं सोचेंगे, बिना सोचे समझे जो मन में आएगा वो बोल देंगे, तो ये तामसिकता होती है। अब ये तीनों स्टेट ऑफ माइंड डिग्री में वैरी करते हैं, हर एक व्यक्ति में ये तीनों होते हैं लेकिन डिग्री वैरी करती है और उसी वजह से सबके स्वभाव अलग अलग होते हैं, सबका ऑरा अलग अलग होता है। इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि वो कितना खुश रहता है या वो कितनी खुश रहती है, वो कितने संपन्न हैं, मैं नहीं हूँ, ऐसा नहीं है, आप भी वही हो सकते हैं अगर आपने अपने गुणों को अलाइन कर लिया तो। अब इसे समझाने के लिए एक एनालॉजी पर ध्यान देते हैं, ठीक है। अब ये एनालॉजी ऐसी है कि इससे सबको समझ में आ जाएगा कि हमें किस प्रकार से होना चाहिए। मान लीजिए आप एक लेक के किनारे बैठे हैं, वो लेक एकदम स्वच्छ है, पानी स्थिर शांत है और कोमलता का एहसास आपको हो रहा है, पानी इतना साफ है कि उसकी तह पर जो पत्थर हैं वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इसी में आप एक पत्थर फेंक देते हैं, अब पत्थर फेंकने से पानी में हलचल हो जाती है, एक रिपल इफेक्ट आता है और लहरें हल्की हल्की सी उठने लग जाती हैं और थोड़ी देर के बाद वो लहरें शांत होती 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 वापस से पानी स्थिर हो जाता है और तह के पत्थर आपको दिखाई देने लगते हैं। मान लीजिए ये लेक गंदी है, कीचड़ से, दलदल से ओतप्रोत है, काली सी ये लेक है, अब आप इसमें पत्थर डालेंगे तो क्या हलचल होगी? कुछ नहीं होगा, वो पत्थर कहाँ है, कहाँ जाएगा ये तो बात छोड़ दीजिए, तह तक दिखाई देने की बात तो छोड़ दीजिए, कुछ हलचल होगी ही नहीं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आत्मा जानती है, हमारी चेतना जानती है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, तो इसी प्रकार से अगर दिमाग साफ रहेगा तो वो आत्मा की आवाज़ सुन पाएगा। आत्मा कोई ऑर्गन नहीं है, ये एक ऊर्जा है, तो दिमाग आत्मा की बात सुन पाएगा जब वो साफ होगा तब। मेरा पिछला वीडियो दोष पर जो था उसमें मैंने दिमाग को साफ कैसे रखना है ये गाइडलाइन भी दी थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो वो भी देख लीजिएगा और उससे रिलेटेड बाकी वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा। तो ये एनालॉजी आपको समझाती है तामसिकता किस प्रकार की होती है, कीचड़, दलदल से ओतप्रोत, इतने विचार दिमाग में भरे होते हैं कि आपको आत्मा की आवाज़ तो बिल्कुल सुनाई नहीं दे सकती। रजस, अपने आप में ही इतने तल्लीन होते हैं, अपने एम्बिशंस को लेकर ही इतने तल्लीन होते हैं कि उनमें हलचल हमेशा मची रहती है, तो हर एक चीज़ की, हर एक गुण की अति अच्छी नहीं है, सारे गुण एक प्रॉपर रेशियो में होने चाहिए, उनकी डिग्रीज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हुई होनी चाहिए। अगर ये बात अभी समझ में आ गई है तो आपके लिए बहुत अच्छा है और ये बातें अपने बच्चों को भी ज़रूर समझाइए। आप जिस भी उम्र के पड़ाव में हैं, अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी से अपने बच्चों को गुणों के बारे में, दोषों के बारे में ज़रूर समझाइए। हम लोगों को स्कूल में ये बातें पढ़ने के लिए नहीं मिली, किसी ने हमें सिखाई नहीं, लेकिन अब जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसे खोना नहीं चाहिए। ये बातें अब आपको समझ में आ गई, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़े से और स्टोरीज़ का सहारा लेना चाहिए, ठीक है। अब समझ जाइए कि सत्व यानी कि सुबह, रजस यानी कि दोपहर और तमस यानी कि रात, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझा रही हूँ। सवेरे हम रात भर सोकर उठे और एकदम चार्ज्ड हैं, खुश हैं, एनर्जेटिक हैं और स्थिर दिमाग है हमारा। अचानक से कोई आइडिया दिमाग में आता है, एक योजनाबद्ध तरीके से वो आइडिया पूरा दिमाग में घूम जाता है, अब हमें चाहत होती है कि हम उसे इम्प्लीमेंट करें, तो दिन के समय में हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, उसे पूरा करने के लिए, उस काम को एक लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, और पूरा जोर लगा देते हैं, एक टाइम लिमिट सेट करते हैं कि इतने घंटे में ये काम हो जाना चाहिए, तो 8 घंटे का काम 4 घंटे में हम पूरा करके छोड़ते हैं और फिर आती है शाम, अंधेरा, रात, तो हम आराम से बैठ जाते हैं खुश होकर, एक रिवॉर्ड के रूप में अपने आप को एक अच्छा खाना देंगे कि मन चाहा, मन
मनपसंद खाना जो हमारे जिह्वा को अच्छा लगे, और समय से सो जाएंगे, आराम से सो जाएंगे गहरी नींद में एक सेटिस्फैक्शन के साथ कि जो हमने सोचा वो हमने पूरा किया, अब हम एक आराम डिजर्व करते हैं, आलस डिजर्व करते हैं, और सुबह फिर से रिचार्ज होकर उठेंगे। तो आपने देखा सात्विकता, राजसिकता, तामसिकता किस तरह से व्यक्ति को सफल बना सकती है। रजस 8 घंटे का काम 4 घंटे में पूरा कर रहे हैं, फिर आराम भी कर रहे हैं। सात्विकता, जो दिमाग में क्रिएटिविटी आई, जो आइडिया आया, उसको इम्प्लीमेंट किस योजनाबद्ध तरीके से करना है ये उसे पता है। तो ये तीनों प्रॉपर डिग्रीज में आपके दिमाग में होंगे तो आपकी आत्मा की हर एक आवाज़ आप सुन पाएंगे। इसके अलावा रामकृष्ण परमहंस जी की एक और कहानी है, हमेशा वे अपने शिष्यों को ऐसी सारी बातें समझाने के लिए कहानियों का सहारा लेते थे। तो उनके द्वारा बताई गई कहानी है ये 3 लुटेरों की। ये कहानी बताने के पहले एक अचानक से मेरे दिमाग में ख्याल आया कि रामायण तो आप सभी ने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो कैरेक्टर्स तो पता ही हैं सबको। तो अभी जैसे मैंने गुणों का उल्लेख किया तो सात्विकता, आप विभीषण को देखकर सात्विकता पहचान सकते हैं, कुंभकर्ण को देखकर तामसिकता पहचान सकते हैं, और रावण को देखकर राजसिकता को पहचान सकते हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। अब बारी आती है स्टोरी की। अब स्टोरी में 3 लुटेरे हैं रामकृष्ण परमहंस जी के द्वारा कही गई स्टोरी में, और वो एक घने जंगल में छिपे हुए हैं। एक व्यापारी है, उसे अपने गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाना है, और अपने साथ हीरे जवाहरात पैसे सब वो लेकर चल दिया। अब जहाँ से जिस गांव से वो चला बीच में घना जंगल पड़ा, और उसे वो तो पार करना ही है क्योंकि उसे अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचना है। तो वो वहाँ से जैसे ही निकला घने जंगल से, तो ये 3 लुटेरे ताक में बैठे हुए थे। उन्होंने फट से व्यापारी को धर दबोचा और उसके सारे पैसे और सारे हीरे जवाहरात लूट लिए। अब एक लुटेरे, 3 लुटेरों में से एक लुटेरे ने कहा कि अब इसे मार डाला जाए। तो दूसरे ने कहा क्यों मारने की ज़रूरत है, इसे पेड़ पर बांध देते हैं, जो होगा समय देख लेगा, इसे पशु पक्षी सब यहाँ पर हैं ही, जंगली जानवर, जो होना होगा अपने आप हो जाएगा। तो उसे पेड़ पर बांध कर वे तीनों लुटेरे आगे चले गए। उसमें से तीसरा लुटेरा कुछ दूर जाने के बाद एक बहाना करके वापस आया और व्यापारी के पास आकर उसकी सारी रस्सियाँ खोल दी और उससे कहा कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे गांव के छोर तक छोड़ देता हूँ। वहाँ तक ले गया सुरक्षित, और छोर पर आकर कहा कि अब तुम अपने घर चले जाओ सुरक्षित, और मैं जा रहा हूँ अपने रास्ते। तो व्यापारी ने उस लुटेरे से कहा तुमने मेरी जान बचाई, यह एहसान मैं चुकाना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें बहुत सारा, इससे भी ज़्यादा जो तुमने लूटा उससे ज़्यादा इनाम दूंगा। तो उस लुटेरे ने कहा मैं आपके साथ नहीं आ सकता, पहली बात कि लोग मुझे पहचान जाएंगे और मुझे पकड़ लेंगे, और मेरी जो दुर्दशा होगी वो मैं ही जानता हूँ। दूसरी बात, मेरे जो साथी हैं उनके प्रति बेईमानी मैं नहीं कर सकता, दगाबाजी मैं नहीं कर सकता। मेरे दिल की आवाज़ थी कि मैं आपके साथ भी अन्याय ना करूं, क्योंकि आपकी वजह से हमको ये सब मिला है। लुटेरा तो वो भी है, इस ये ऐसे सात्विकता होने की वजह से उसे हम लुटेरा नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन उसने सारी बातें कही स्थिरता से और व्यापारी को छोड़ अपने रास्ते चलाया। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि कौन तामसिक है, कौन राजसिक है और कौन सात्विक है। स्थिर वर्तमान में जीने वाला सात्विक कौन है इसमें, तो वो चोर है, वो लुटेरा है जिसने व्यापारी की मदद की वापस जाने में। अब बारी आती है एक आइडिया की। जो मैंने पहले कहा कि दिमाग में आइडिया आई, आपने इम्प्लीमेंट किया, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आई किताब लिखने की, और पूरी किताब का जितना भी प्लॉट था, जितने टॉपिक्स थे, वो सारे मेरे दिमाग में भरे पड़े थे। और मैंने सोचा कि अब मैं किताब लिखूं, अब मैं किताब लिखने बैठ गई, और जब तक मेरी किताब कंप्लीट नहीं हुई मैंने शांति की सांस नहीं ली। दिन प्रतिदिन मैं आगे बढ़ती गई अपने लक्ष्य की ओर कि किताब मुझे पूरी करनी है, बखूबी पूरी करनी है। और वो जब मेरी किताब पूरी हो गई तो मैंने पब्लिशर को दे दी पब्लिश करने के लिए। अब मैंने शांति की सांस ली कि मेरी किताब
बहुत अच्छे से पूरी हो गई और मैं एक रिवॉर्ड डिज़र्व करती हूँ, आलस का, आराम का और अपनी थकावट दूर करने का। तो मैं अपने मनपसंद काम करूँगी, सोऊंगी, अच्छा खाना खाऊंगी और पूरी तरह से अपने शरीर को आराम दूंगी, अपने दिमाग को आराम दूंगी। उसी आराम की स्थिति में मेरे दिमाग में फिर से कुछ आइडियाज़ आनी शुरू हो गई, क्योंकि रचनात्मक है दिमाग, तो उसमें आराम मिलने से फिर से क्रिएटिविटी आ गई। तो ये बात हुई, तामसिकता में रचनात्मकता वापस आती है, आराम मिलने से सात्विकता वापस आती है, तो तामसिकता का रिलेशन सात्विकता से है। तो सारे गुण राजसिकता का सात्विकता से है, सात्विकता का राजसिकता से है। तो इसीलिए कोई भी गुण बुरे नहीं है, लेकिन किसी भी गुण की अति बेहद बुरी है। अब आपको ये सारी बातों से गुण क्या हैं ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको एक गेम खेलना है अपने घर में। अगर 6 सदस्यों का परिवार है आपका, तो दो दो सदस्यों का एक ग्रुप बना लीजिए। अगर 4 का है तो दो ग्रुप बना लीजिए दो के। और अगर 2 ही हैं आपके परिवार में सदस्य, तो आप अपने क्लोज फ्रेंड्स को इनवाइट कर लीजिए और ये गेम उनके साथ खेलिए। एक पेपर पे 3 कॉलम्स बना लीजिए, सात्विक, राजसिक, तामसिक, और ऊपर 10 मार्क्स ईच इस ढंग से आप लिख लीजिए। और 5 प्रश्न आप पहले ही फ्रेम कर लीजिए कि आपको कौन सा कलर पसंद आता है, डार्क, ब्राइट, लाइट एंड ब्राइट एंड डल शेड्स, ये 3 हो गए। आपको क्या खाना पसंद आता है, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, और उसमें भी हर दिन के एक मील में आपको नॉन वेजिटेरियन चाहिए ही, या आपको सप्ताह में एक बार चाहिए, या पूरे तीनों मील्स में आपको नॉन वेजिटेरियन ही चाहिए। इसके अलावा अगर आपको छुट्टी मिलेगी 5 दिन की, तो आप क्या करना चाहेंगे, आप घूमने जाएंगे, कुछ पढ़ेंगे, अपनी हॉबीज़ को और एनहेंस करेंगे, या आप पूरी तरह से आराम करेंगे, पार्टीज़ करेंगे, ड्रिंक्स और सब कुछ शामिल करते हुए, या आप पेंडिंग कामों की लिस्ट बनाएंगे और उन्हें पूरा करने की कोशिश करेंगे। आपको सुबह उठना अच्छा लगता है या आपको देर रात तक जगे रहना अच्छा लगता है? सुबह उठकर आपका मूड खराब रहता है या आप बड़े उत्साहित रहते हैं, दिन हो गया और ये दिन में ये काम पूरे करेंगे, या आपको ये लगता है कि चलो अब अनुशासित रूप से, जैसे मैं सवेरे एक्सरसाइज करती हूँ, उसके बाद में ब्रेकफास्ट करती हूँ, परिवार के साथ समय बिताकर अपने काम में लग जाती हूँ, और फिर शाम को फिर पूरा परिवार मिलता है, इस ढंग से दिन को पॉजिटिवली लेते हैं, या शाम होने पर आपको अच्छा लगता है कि अब शाम आ गई, ये समय मेरा है और काम टल गया कल के लिए, तो इस ढंग से आप 5 क्वेश्चंस फ्रेम कर लीजिए और एक एक क्वेश्चन के आंसर पर 2 मार्क्स रखिए, और 2 मार्क्स ईच, और आप उस अनुसार व्यक्ति को जज करिए कि कौन सात्विकता की ओर ज़्यादा है, कौन तामसिकता की ओर ज़्यादा है, कौन राजसिकता की ओर ज़्यादा है, कौन पूर्ण रूप से सात्विक है, जो कि रेयर है, ठीक है, कौन पूर्ण रूप से राजसिक है, कौन पूर्ण रूप से तामसिक है। जब ये आप एनालाइज कर लेंगे एक दूसरे के लिए, तो आप उनके फ्रेंड बन जाइए, अगर आपको लगता है कि दूसरे में कमी है, और उसके साथ हो लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको उसे ये बताना है बहुत प्यार से कि इतने दिन का टाइम है, 21 दिन का टाइम है, या 45 दिन का टाइम है, या 3 महीने का टाइम है, ये चीज़ें इम्प्रूव करनी है तुम्हें और मुझे भी, साथ में अपना भी जिक्र ज़रूर करिए। अब ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, चेतना जैसे मैंने कहा, तो अवचेतन मन, जब हमें किसी चीज़ की आदत हो जाती है तो वो हमारी अवचेतना होती है, ठीक है, हम ऑटोमेटिकली वो काम करने लग जाते हैं, इसीलिए हर दिन उसकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है एक लंबे समय तक, तब वो अपने आप होने लगेगा। आप सब ने अवचेतन मन सुना होगा और उसके शक्ति के बारे में जाना होगा। मान लीजिए एक रेस्टोरेंट में एक व्यक्ति रहने के लिए गया और एक वेटर ने उससे पूछा, आप क्या लेंगे सर सुबह, चाय, कॉफ़ी, लेमनेड, और उसने तमाम सुबह के ड्रिंक्स का जिक्र कर दिया। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं कुछ नहीं, नींबू पानी ले आओ मेरे लिए, नमक डाल के बिना चीनी का। अगली सुबह फिर से वो वेटर ने उससे पूछा, तीसरी सुबह, चौथी सुबह, इस प्रकार वो व्यक्ति वहाँ पर 45 दिन रहा और 45 दिन तक वो वेटर उससे यही पूछता रहा हर सवेरे। 46th डे वो वेटर कॉल नहीं करता है उस व्यक्ति को उसके रूम में, और नींबू पानी नमक का बिना चीनी का लेकर अपने आप हाजिर हो जाता है। तो ये है अवचेतन मन,
ये कहानी मेरी माँ ने मुझे बताई अवचेतन मन को समझाने की, कि प्रैक्टिस से अवचेतना जागती है। तो आप भी इसी ढंग से अपने फ्रेंड को समझाएंगे और आप खुद भी समझेंगे कि इतने दिन की प्रैक्टिस करूँगी या करूँगा तो जाके अवचेतना जगेगी, तो मेरी आत्मा मेरे दिमाग को समझ पाएगी, मेरा दिमाग मेरी आत्मा को समझ पाएगा, जो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आत्मा ही वो एहसास वो ऊर्जा है जो हमें सही रास्ते पर ले जाती है। अब व्यक्ति अगर तामसिकता की ओर ज़्यादा है तो वो तुरंत सात्विकता की ओर नहीं आ सकता है, उसे तामसिकता तोड़नी होगी और कुछ हद तक राजसिकता मतलब एक्टिविटी एक्टिव होना अपने अंदर लाना होगा, अपने आलस को दूर कर कुछ प्लानिंग्स करनी होंगी कि मुझे ये काम करने हैं और इस समय कर लेने हैं और उसमें उसे कूदना होगा। अगर पास्ट के एक्सपीरियंसेस से जो फेलियर्स हैं, किसी ने उपहास किया है, लॉस हुआ है लाइफ में, तो उसकी वजह से व्यक्ति तामसिक हुआ है तो उसे पास्ट का कंपार्टमेंट क्लोज करना होगा, और अगर फेलियर्स हैं तो उन्हीं काम को उसमें नयापन लाकर करना होगा, या वो काम बंद करने हैं तो बंद करके नए काम शुरू करने होंगे, लेकिन पूरे एक्टिव होकर, पूरी तरह से एक्टिव होकर, और साथ साथ कुछ प्रेयर्स प्राणायाम और स्किन केयर बॉडी मसाज इन सबको अपने अनुशासन में लाना होगा जिससे सात्विकता जगे। अब अगर बहुत ज़्यादा राजसिक हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुत एम्बिशियस हैं, वर्तमान में जीना नहीं जानते हैं, तो ऐसों को सात्विकता की ओर थोड़ा मुड़ना होगा, थोड़ा स्लो डाउन अपने आप को करके सात्विकता की ओर मुड़ना होगा और थोड़ा तमस लाना होगा, मतलब समय पर सोना समय पर उठना, और अंधेरे में ही सोना है, 2 बजे सोकर सवेरे 9 बजे नहीं उठना है, इस ढंग से वो लेकर आना है अपने अंदर अनुशासन और स्लो डाउन होना है। सात्विकता सवेरे वो एक्टिविटी करें जिससे खुशी मिलती है, जो आपकी हॉबीज़ पहले रह चुकी हैं, और जो सात्विक हैं वो रेयर हैं, तो उनको सात्विकता के साथ साथ इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में थोड़ा सा रजस जगाना होगा बस, और वो खुद ही अपने आप में इतने समझदार हैं कि उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और आप भी अपने गुणों को अलाइन रखिएगा, क्योंकि अगला वीडियो प्रकृति और विकृति पर है, दोष और गुण का पूरा पूरा सार है, उसके लिए इंतज़ार करिए। अगर आपकी कोई हेयर एंड स्किन रिलेटेड क्वेरी हो, बॉडी स्किन से रिलेटेड क्वेरी हो, तो ज़रूर हमें 9415282407 पर व्हाट्सएप करें। थैंक यू सो मच।